लगता है तीर एकदम निशाने पे जाके बैठा है। सलाम काला अम्मा। मर जाना चाहते हैं हम, जहने के मार दो हमको। हमारी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि अचार वाली की बेटी को अपना बहू बना लेंगे। हमारा वाइफ से ताक झाक बंद कर दो, नहीं तो हमारा नाम नौसाद है, हम आखिरी हद तक जाएंगे। ने हम ही घर छोड़ कर चले जाएंगे, आप लोगों से अपना रिश्ता नाता खत्म कर लेंगे बस। सबको मानना पड़ेगा कि ई घर के हम ही बड़े, तो हम ही डिसाइड किए हैं कि बड़े से घर को अब हम बेच देंगे। जब से आप बच्चे का खबर सुने हैं आपका तो गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गुनाह कर लिया है, हम अभी इस घर को छोड़ कर चले जाएंगे। चलो मुनिया। लव इन गुलशन बिहार। अभी तो खानी शुरू है। हम आपके किराएदार नहीं है जो जब चाहे कोई आके हमें यहाँ से निकाल दे। भाग ना। तुम लोगों को पसंद नहीं है कि तुम लोग एक बड़े घर के अंदर रहे जिधर तुम लोग का जिंदगी आराम से गुजरे? जरूर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया जिसने मुझे तुम्हारी नजर में गिरा दिया है। इस वक्त हमारा मास के ऊपर मरियम सवार है। मरियम, उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, पर काटना पड़ेगा। मरियम के खातिर तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब तो सारी दुनिया को बताना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हम उसका मुंह पे कालक मलेगा। हमने खुद इसको देखा रात के अंधेरे में, ये अच्छा बचास बता गया था। मेरा ताल्लुक जोया से है, जोया मेरी जिंदगी है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इस तो यही सकून मैं आपसे छीन लेना चाहती हूँ, बस यही फर्क है आपके और मेरे गोल्स में। कितना अर्सा हो गया हमारी इस जबरदस्ती की शादी का। माँ कब की मर गई है, अभी भी तस्वीर लगा के रखी हुई है। बॉस का फोन आया था, वो दो दिन में ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहा है। इतना आसान नहीं है हमारी उसे कुर्सी वापस चाहिए। अच्छा होता किसी गाड़ी के नीचे आके मरी जाती, मेरी जान छूट जाती। जिस तरह से तू मुझे उठा कर लाया था उसी तरह तुझे प्रीतू को लाना होगा। एक दिन इनका ऐसा बेड़ा गर्क होगा कि अन्य होके कंधा में बचते फिरेंगे। रशीद के खेतों को आग मैंने लगाई थी। बंद करो, रशीद के घर मुंडा नहीं दूसरा हुआ। दुश्मनी मेरी है और निभानी भी मैंने है। अब मजा आएगा। हिंदू को मुसलमान कच्चा चबा जाएंगे, याद रखना। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। कब आएगा ढंग तुम्हें काम कर राबिया? फिर एक और बेजोड़ शादी। इस तरह की शादी ज्यादा अरसे तक कामयाब नहीं रहती है। मेरे लिए बहुत आसान होगा ये रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म। तुम मर कर 100 बार भी जन्म ले लो ना, तब भी कभी वैसी नहीं बन सकती। हर वक्त बस एक तनाव का सा माहौल बनाए रखते हो तुम। सारे में न हो ना तो खुदा ना खास्ता ये घर कब्रिस्तान लगे। रिश्ता अब खुद बनाए। तुम फंसी से अलहदगी इख्तियार करो। मैं तो अपना हूँ। मेरा नाम दानियाल अहमद है। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी आएगा उसे मैं अपनी जिंदगी से निकालता हूँ। जिंदगी से निकाल। तहरीन ने खुला का नोटिस भेजा है। ये नौलखे की जंग मैंने नहीं मुमताज ने शुरू की थी और इसे जीते बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगी। अकबर अली, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं किसी हाल में भी शफक से शादी नहीं करूंगा। मैं तहरीन से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, इस घर से निकल जाओ। बाप की नाफरमानी करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। नौलखा हमारे खानदान का असासा, हमारा फखर। ये नौलखा जिसके भी हिस्से में आता है वो खुद ब खुद इस हवेली और जमीनों का वारिस बन जाता है। ये नौलखे की जंग मैंने नहीं मुमताज ने शुरू की थी और इसे जीते बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगी। नौलखा तो तुम लोगों में से कोई मर के भी हासिल नहीं कर सकता। और जा, इस घर की मालिकन बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। यार दाढ़ी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है प्यार का।